गाइस काफ़ी बार क्या होता है, देखो ये हमारा जो आप लोगों को पता है डिस्क ऑयल होता है इसके अंदर, ठीक है, डिस्क ऑयल का रिजर्वर होता है ये। तो इसमें क्या होता है, देखो जब हम नई बाइक लेते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को क्लियर दिखता है, ठीक है, इसमें कितना ऑयल है कितना ऑयल नहीं है। लेकिन जब बाइक पुरानी रहता है, अगर आप किसी पुरानी बाइक को देखो तो उसके अंदर यहाँ पे ना दिखता ही नहीं है भाई, इतना खराब हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है, लाल लाल सा दिखता है इसके अंदर, तो पता नहीं चलता। तो इसको कैसे मेंटेन करना है भाई, इसका यही तरीका है, हर साल में इसको खुलवा के साफ करवा लिया करो, एंड जो इसके अंदर आप ऑयल डलवाओ, ठीक है, जो डिस्क ऑयल डलवाओ वो कंपनी का ही होना चाहिए। मतलब अब जैसे मेरे पास पल्सर है तो मैं भाई बजाज का होता है सर्विस सेंटर से वो डिस्क ऑयल लेके आऊँगा, वही डलवाऊंगा इसके अंदर। अगर जैसे आप बाहर से डलवाते हैं मार्केट से, जो 40 या 60 रुपए का मिलता है आई थिंक, वो ब्लू डब्बे में जो आता है, वो डलवाओगे तो भाई वो अंदर से लाल ही होता है, तो वो सब डलवाओगे तो उससे खराब ही होगा। जब भी आपको डिस्क ऑयल चेंज कराना हो तो भाई कंपनी से ही लेके आना, सर्विस सेंटर से ही, तो ये आपका जो है लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा।